हम कहे नीतीश चाचा नरेंद्र मोदी जी करुआ तेल जन कान में डाल के सुतल बानी लो वो निकाल ली लो आ करुआ तेल के दाम पता कर ली लो वर्तमान डीजल के दाम पता कर ली लो। ये बताई जब डीजल से किसान खेती करेला वही डीजल ना मिली तो किसान खेती कहाँ से करी। पेट्रोल से जगह रोज के जीविका बा जावेला जा रहा जरूरत बा पेट्रोल के रुपये 105 रुपया के पार कर देनी। अरे मोदी जी बस हाथ जोड़ो तनी 13 में रुपये कहले रहनी काहे तो अच्छा दिन दे 14 में और सरकार बनल हमने के हाथ जोड़ के कहते बुरा दिन दे दी। हमारा 57 रुपया वाला डीजल अब 62 रुपया वाला पेट्रोल के दाम लौटा दी हमारा और अच्छा दिन ना चाहिए। सरकार हाय 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 डीजल पेट्रोल की महंगाई को कम करो कम करो दूसरी गैस के दाम में वृद्धि कम करो कम करो नरेंद्र मोदी होश में आओ होश में आओ होश में आओ तनाशा सरकार मुर्दाबाद 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 नरेंद्र मोदी पर हिटलर शाही नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद 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 केंद्र सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। महंगाई के खिलाफ जनाधिकार पार्टी के 2 दिवसीय भूख हड़ताल के आयोजन सिवान में कल गिल बा राज्यव्यापी हड़ताल बाटे भूख हड़ताल बाटे और सिवान में बिजली ऑफिस के सामने तरवारा मोड़ के नज़दीक ये राज्यव्यापी हड़ताल भूख हड़ताल कल गिल बाटे। हम आई जाने के कोशिश करते नहीं कि कौना मुद्दा पर यहाँ भूख हड़ताल के आयोजन भइल बाटे। अध्यक्ष जी का मुद्दा बाटे कौना मुद्दा के लेके भूख हड़ताल हो रहा बा। देखिए आज इस भूख हड़ताल धरना पर आपको आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यह मुद्दा 5 सूत्री मांगों को लेकर भूख हड़ताल का कार्यक्रम 48 घंटे का रखा गया है। हम लोग दिनों रात लगातार यहाँ बैठे रहेंगे 48 घंटा तक भूखे मरेंगे लेकिन हटेंगे नहीं। मेन इसमें मांग है पहली मांग है जो महंगाई पर रोक लगाओ। डीजल पेट्रोल को आप देख रहे हैं क्या हाल हुआ है। जब डीजल पेट्रोल महंगा होगा तो कौन सा सामान सस्ता मिलेगी हर सामान महंगा होगा। नरेंद्र मोदी कहते थे कि अच्छे दिन आएंगे तो यहाँ तो जनता मांग कर रही है जो हमको पुराने ही दिन लौटा दो अच्छे दिन की हमको जरूरत नहीं है। 200 रुपया की लीटर सरसों तेल बिका रहा है शतक पार कर गया डीजल और पेट्रोल। महंगाई इतना बढ़ गई है कि गरीब लोगों का कमर टूट चुका है और लोग रोड पर आ गए भूखे लोग मरेंगे भूखे। जितना लोग कोरोना में मरे उससे 10 गुना 20 गुना लोग भूखे मर जाएंगे। दूसरा मांग है ओबीसी में जो आरक्षण था उसको लागू रखो। ओबीसी का आरक्षण खत्म करने के फेरा में उसको लागू रखना है। तीसरा मांग है सरकारी संस्था जो है उसमें जो आरक्षण है और पदोन्नति में जो आरक्षण है उसको लागू रखो। चौथा मांग है हमारे जन जन के नेता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष गरीबों के मसीहा बिहार पुत्र श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव जी को जल्द से जल्द रिहा करो। इन्हीं सब 5 सूत्री मांगों को लेकर आज हम लोग भूख हड़ताल पर 48 घंटा का शुरू किए हुए हैं और हम लोग लगातार 48 घंटा बैठेंगे और आपके चैनल के माध्यम से हम यह चाहेंगे कि नरेंद्र मोदी वो जो बहरा हो चुका है कान उसका कहना बहरा हो चुका है और यह कहना है नीतीश कुमार पलटू चाचा इन लोगों को कान तक पहुंचे। जनता मर रही है नौजवान जाग चुके हैं अब आप लोगों की खैर नहीं है। हर जगह पुलिस अफसरशाही हावी है
पूरा अफसरशाही अभी है। कब ये नियम लगाता है, कब वो नियम लगाता है, दारू बंद कर दिया, दारू बंद कर दिया, दारू साला कहीं बंद नहीं है, साला होम डिलीवरी हो गया, 14 चक्का पर गिट्टी बालू नहीं ले जाएगा, तुम्हारे यहाँ है क्या गिट्टी बालू छोड़ दिया जाए, तुम्हारे यहाँ है क्या, कौन सा रोजगार है, काहे लिए रजिस्ट्रेशन किया, रजिस्ट्रेशन तो तूने 14 चक्का का किया है, तुमको तो करना चाहिए जो ओवरलोड बंद करो, आगे तुम कहना 14 चक्का बंद करो, 18 चक्का बंद करो, 12 चक्का चलेगा, 12 चक्का पर 1200 CFT 50 टन 70 टन लाद कर लेकर आएगा, तुम्हारा पुलिस लूटेगा, तुम्हारा DTO RTO मोबाइल सब खनन कालवा खनन वाला सब का नाम रुपया खाएगा, तू तो लूट मचा कर रख दिया है, तुम चेतो कन्या कौन सा आदमी तुम्हारे शुभ चिंतक बने हुए हैं और तुमको सिखाते हैं, वो जो जो कहते हैं वो करते हो, यह नहीं चलेगी, हिटलर शाही की सरकार हो चुकी है, इसलिए इसी सब को मांग को लेकर हम लोग भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं, 48 घंटे तक चलेगा, रातों दिन चलेगा लगता है। मैं विश्वनाथ यादव, ध्रुव यादव, जिला अध्यक्ष जन अधिकार पार्टी युवा, युवा नेता अरविंद यादव जी। अरविंद यादव जी, भूख हड़ताल से लगता कि फर्क पड़ी है सरकार में, कि जो सरकार बहरा हो चुकल भैया, महंगाई खातिर लोग इतना तड़फड़ा रहा बा लेकिन सुनत नहीं थे, तो भूख हड़ताल के असर हुई है सरकार पर? देखिए, इस सरकार के असर हुई के ना हुई, लेकिन जनता के भूख हड़ताल से हमनी के जगावे खाती आज भूख हड़ताल पर बैठल बनी जा, कि जनता के एहसास होके ओकर हक का बा, ओकर जरूरत का बा, हम तो करुओ तो लेकर बैठल बनी, हम कहें नीतीश चाचा नरेंद्र मोदी जी करुआ तेल जन कान में डाल के सुतल बानी लो, वो निकाल ली लो, आ करुआ तेल के दाम पता कर ली लो, वर्तमान डीजल के दाम पता कर ली लो, ये बताई जब डीजल से किसान खेती करेला वही डीजल ना मिली तो किसान खेती कहाँ से करी, पेट्रोल से जगह रोज के जीविका बा जावेला जा रहा जरूरत बा पेट्रोल के, रुपये 105 रुपये के पार कर देनी, अरे मोदी जी बस हाथ जोड़ो तनी, 13 में रुआ कहले रहनी काहे तो अच्छा दिन दे, 14 में रहो सरकार बनल हमनी के हाथ जोड़ के कहते हम पूरा दिन दे दी, हमारा 57 रुपया वाला डीजल 62 रुपया वाला पेट्रोल के दाम लौटा दी, हमारा और अच्छा दिन ना चाहिए, हमारा वही रोजगार मिल जाओ, छात्र के रेलवे से रोजगार मिले, हर एक सेक्टर से वैकेंसी आवे, लेकिन आज वैकेंसी नहीं थे, रुआ कोरोना के नाम पर छात्र के नौजवान के मानसिक शोषण शैक्षणिक शोषण करता नहीं, डेढ़ साल से स्कूल बंद बा, और चुनाव बंद न भइल है कोनो राज्य में, पंचायतियों चुनाव हुआ घोषणा कर देनी, अगर हुआ समाज के लोग के हित में सोचती तो पंचायतियों चुनाव को स्थगित करती, रुआ तो अपना काम से मतलब बा, रुआ डेढ़ साल में बच्चन के स्कूल से कलम के लिखे के ताकत छीन लेनी, डेढ़ साल से कोनो बच्चा स्कूल ना गई सन ए कोरोना के आड़ में, राउर शादी ब्याह बंद ना भइल, राउर चुनाव बंद ना भइल, लेकिन स्कूल कॉलेज के बंद कैले बानी, कहीं ना कहीं राउर मानसिकता बा रुआ अंदर हिटलर शाही हो गई बा, तानाशाही हो गई बा, और रुआ स्कूल कॉलेज बंद करके लड़का सन के शैक्षणिक व्यवस्था से वंचित करे के चाहतनी, हमनी के ये तमाम मांग के लेके हमनी के मांग बा कि हमार नेता के जो 60 दिन से बंद कैले बानी दरभंगा के जेल में, हमार मांग बा एम्बुलेंस चोर रहे राजीव प्रताप रूडी के काहे नहीं की धरत, रुआ काहे नहीं के हिम्मत कि एम्बुलेंस चोर के भीतर कहके अब पप्पू यादव के रिहा करी, कहीं ना कहीं इस सरकार के मानसिकता जौन हो गई बा हिटलर वाली हो गई बा, हमनी के जनता के जगावे खातिर जनता से हाथ जोड़ के विनती बा, छात्र नौजवान से विनती बा कि अपना हक खाती रोजगार खाती रुआ लो सड़क पर आई लो, इस सरकार हिटलर शाह के सरकार हो गई भैया, छात्र नौजवान किसान के शोषण करतिया, ये तमाम मुद्दा के लेके आज हमनी के 48 घंटा के भूख हड़ताल पर बैठल बानी जा, जरूरत पड़ी तो जैसन पार्टी के आह्वान हुई हमनी के जरूरत पड़े सड़क पर भी उतरे के काम करेम जा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये राज्यव्यापी हड़ताल भूख हड़ताल के आयोजन जन अधिकार पार्टी के तरफ से करल गिल बा और ये लगातार 48 घंटा तक चले वाला बा, सिवान के बिजली ऑफिस के सामने ये भूख हड़ताल हो रहा है।
ये रिपोर्ट एक देखनी मैच बॉक्स के कैसे लागल कमेंट करके जरूर बताई और मैच बॉक्स के अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर ले तो कर ली और वीडियो के तनी ज़्यादा से ज़्यादा फैलाई ताकि सब लोग तक पहुँच जाए।